स्टूडेंट हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए सारणी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। आपको मैंने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट चल रहा है, तो मैं आपके अब चल रहे हैं गुणधर्म। क्या चल रहे हैं? गुणधर्म की सारणी के क्या क्या गुण हैं, ठीक है? तो गुणधर्म पहला गुणधर्म मैंने आपको बता दिया है, यदि किसी भी सारणी को ट्रांसपोज किया जाता है तो सारणी का जो संख्यात्मक मान है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। यदि किसी भी सारणी का हम ट्रांसपोज करें, ठीक है, मैंने उदाहरण भी बताए थे आपको एक दो, तो हम किसी भी सारणी का ट्रांसपोज करें तो इसका जो संख्यात्मक मान है वो कभी बदलता नहीं है। जो सेकंड जो दूसरा गुणधर्म है उसको बता देता हूँ मैं आपको। तो पहला गुणधर्म मैंने आपको करा दिया है, अब मैं करा रहा हूँ दूसरा गुणधर्म। यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान आ जाएं, यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान आ जाते हैं तो उस सारणिक का संख्यात्मक मान हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। मैं लिख देता हूं एक बार आपको। सारणिक में कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान आ जाए समान हो तो उस सारणी का संख्यात्मक मान शून्य होता है। सारणिक में ये कोई हमारे पास एक सारणिक है और उस सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो कॉलम, ठीक है, पंक्ति हो या कॉलम हो और दोनों समान है तो उस सारणिक का जो संख्यात्मक मान है यदि हम उसको सॉल्व करते हैं तो संख्या का संख्यात्मक मान हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। तो इसलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हमारे पास कोई सारणिक है, ठीक है, डेल्टा से लिख देता हूं, दो एक तीन चार दो चलो पांच छ सात आठ नौ, ये हमारे पास कोई सारणिक है, सॉरी एक पांच आठ, ये हमारे पास कोई सारणिक है। तो इस सारणिक के अंदर ये हमारी जो स्तंभ है, कॉलम है, ये हमारा C1, C2 और C3, तो इसमें दोनों कॉलम बराबर हैं। C2 और C3 दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो इस सारणिक देखो एक पांच आठ, तो इस सारणिक का जो मान आएगा वो हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। करके देखते हैं इसको सॉल्व। तो पहला होता है हमारे पास प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो प्लस के दो इसकी जो उप सारणिक है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो बचा है उसको हम लिख देंगे पांच पांच आठ आठ। अगली है माइनस एक, ठीक है, तो माइनस एक में ये कर जाएगा तो क्या जाएगा? चार पांच सात आठ। कोई दिक्कत किसी को? अगला है हमारे पास प्लस एक में ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा? चार सात पांच आठ। कोई दिक्कत किसी को? अब देखते हैं दो अठपन चालीस माइनस के अठपन चालीस, आठ पन चालीस और अठपन चालीस माइनस एक, इसका गुना करेंगे तो सात चौका अट्ठाईस माइनस के सत्तपन पैंतीस। कोई दिक्कत किसी को? इधर प्लस एक, सात चौका अट्ठाईस माइनस के पैंतीस,
कोई दिक्कत किसी को? ये 40 में 40 रहे तो 0, तो 0 से जो भी टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा। माइनस देखो माइनस है तो 35 में तो कितना जाएगा, तो माइनस का 1 और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस के 7। ठीक है, 35 में 28 गए तो माइनस के 7 प्लस 1 क्या जाएगा, माइनस के 7। तो माइनस माइनस इधर तो 0 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 7, और प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस के 7, प्लस माइनस के 7 बराबर आ जाएगा 0। तो इस सारणिक का मान क्या आएगा, 0। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में यदि किसी पंक्ति और कोई सॉरी यदि कोई भी दो पंक्ति और दो स्तंभ समान है, कोई भी दो पंक्ति और दो स्तंभ समान है तो उस सारणिक का मान हमेशा जो क्या आएगा, 0 आएगा। देखो ले लो इसकी शॉर्ट स्क्रीन, एक दो और उदाहरण बताता हूँ। अब तो हमने ये किया था, अब मैं इसके स्थान पर 1, 5, 8, 2, 4, 6। अब हमारे पास पहली कॉलम और दूसरा कॉलम क्या है, समान है। पहले क्या था, दूसरा तीसरा था, अब ये कॉलम समान है। तो अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो प्लस 1 माइनस प्लस, तो प्लस 1 इसको काट देंगे तो क्या जाएगा, 5, 4, 8, 6 माइनस 1 क्या जाएगा, 5, 4, 8, 6 फिर क्या जाएगा, प्लस 2 तो क्या जाएगा, 5, 5, 8, 8। अब देखते हैं प्लस 1, 5, 6, 30 और 8, 24 माइनस 5, 6, 8, 32 सॉरी 5, 6, 30 माइनस 32 प्लस के 2 58, 40 माइनस के 40 प्लस का 1 है तो यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस के 2। यहाँ पर माइनस के स्थान पर माइनस, 1 के स्थान पर 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस के 2 प्लस, ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। अब देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 0 कट जाएगा, कैंसिल, आंसर क्या जाएगा, 0। जब भी आपके दो कॉलम, ठीक है मैंने इधर से भी करके बता दिया है इधर से, आप देखते हैं पंक्ति से और करा देता हूँ। एक दो, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 4, 1, कोई दिक्कत किसी को? अब देखते हैं कि ये दोनों रो समान हैं, R3 और R2 क्या हैं, समान हैं। तो आप देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जो बड़े क्वेश्चन हैं उसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही लिखना है कि R2 और R3 बराबर हैं, इसलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सॉल्व नहीं करना है। अब देखते हैं एक बार सॉल्व करके, प्लस माइनस प्लस प्लस के 2, 4, 1, 4, 1 माइनस 1 क्या जाएगा, 2, 1, 2, 1 प्लस के 3 क्या जाएगा, 2, 4, 2, 4 ठीक है, कितना जाएगा, प्लस के 2, 4, -4 माइनस 1, 2, -2 प्लस 3, 8, -8 0, 0 से जो टकराएगा वो खुद 0, 0, 0 से जो टकराएगा वो खुद 0, और 0 से जो टकराएगा वो खुद 0, और पूरी जो सारणिक है उसका संख्यात्मक मान कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा जो दूसरा नियम था, सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ समान है तो उस सारणिक का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। पहला गुणधर्म क्या था, यदि कोई भी सारणिक है हमारे पास उस सारणिक का हम ट्रांसपोज करें तो कभी भी संख्यात्मक मान परिवर्तित नहीं होता है। समझ में आ गई सबके? अब देखते हैं थर्ड नियम,
देखो हमारे पास जो तीसरा नियम है वो है, यदि किसी हमारे पास कोई सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में परिवर्तित किया जाता है तो उसके जो मान है उसका जो संख्यात्मक मान है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। सारणिक में कोई दो पंक्ति वे दो स्तंभों को आपस में बदला जाता है तो सारणिक के संख्यात्मक मान में चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन चिन्ह बदल जाता है। दोबारा से देखें, कोई हमारे पास सारणिक है और सारणिक जैसे मेरे पास कोई सारणिक है और सारणिक का आंसर आ गया प्लस के 30, ठीक है। अब उसके हम इस दो स्तंभ या दो पंक्तियों को आपस में बदल दें और फिर उसको सॉल्व करें तो उसका जो आंसर आएगा वो किसका आएगा माइनस के 30। यदि कोई भी हमारे पास सारणिक है और सारणिक की हम आपस में पंक्ति और स्तंभ को बदल दें, ठीक है, कोई भी आपस में पंक्ति और स्तंभ को क्या कर दें बदल दें तो हमेशा जो उसका आंसर है उसमें चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। जो संख्यात्मक मान है उसके चिन्ह में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसकी आप शॉर्ट इसके ले लें फिर मैं इसको मिटा लूंगा। हमने एग्जांपल लिया है, कोई सारणिक है हमारे पास 2, 4, 1, 3, 2, 1, 5, 7, 6, ये हमारे पास कोई सारणिक है। अब इस सारणिक का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो इस सारणिक का मान निकालें हम 2 प्लस का 2 तो कैंसिल हो जाएगी लाइन ये वाली, तो 2, 1, 6, 7, 6 माइनस के 4 तो क्या जाएगा 3, 1, 5, 6, ठीक है। फिर हम लेंगे प्लस एक लिया तो कितना जाएगा 3, 2, 5, 7। कोई दिक्कत किसी को, इसको सॉल्व करते हैं 2, 6, 2, 12 माइनस के 7 माइनस के 4 6, 3, 18 माइनस के 5 प्लस का 1 7, 3, 21 और 5, 2, 10 6, 2, 12 माइनस के 7 6, 3, 18 माइनस के 5 और 7, 3, 21 माइनस के 10 2। अब देखो कितना जाएगा 5 माइनस के 4 कितना जाएगा 13, ठीक है, और प्लस का 1 कितना बच जाएगा 11। कोई दिक्कत किसी को, 5, 2, 10 13, 54, 52 प्लस के 11 कितना हो जाएगा प्लस के 21 माइनस के 52 52 में से हम 21 गए तो कितने बच जाएंगे 31 किसके माइनस। देखो इसको हमने सॉल्व किया है तो इसका आंसर कितना गया है माइनस के 31 आया है। कोई देख लेना कोई इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा मैं अकेला खुद ही पढ़ाता हूँ तो बस एक कैमरे को पढ़ाना होता है तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है फर्स्ट में। तो कितना आ रहा है इसका आंसर माइनस का 31 आ रहा है। तो अब इसको हम ट्रांसफोर करते हैं, इसको हम क्या करते हैं परिवर्तन करते हैं स्तंभ और कॉलमों में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों कॉलमों को एक दूसरे को बदल देता हूँ,
ठीक है। तो मैंने क्या किया है, 4 2 7 और इधर क्या लिखूंगा, 2 3 5 1 1 6 ये हमने बदल दिया है। अब इसका मान निकालेंगे, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, प्लस के 31 आएगा। अब देखते हैं 4, ठीक है, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 1 5 6 माइनस के 2, तो माइनस के 2 की क्या हो जाएगी, 2 7 1 6 2 7 1 6 फिर है प्लस का 1, प्लस के 1 की कितनी हो जाएगी, 2 7 3 5। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 6 3 18 माइनस के 5 माइनस के 2, 6 2 12 माइनस के 7 प्लस का 1, 5 2 10 माइनस के 21 सॉरी सही है, कोई दिक्कत किसी को, तो 4 कितना जाएगा, प्लस के 13 माइनस 2 माइनस के सॉरी प्लस के 5 प्लस 1 कितना जाएगा, माइनस के 11 13 54 माइनस के 10 और माइनस के 11 तो 52 माइनस के कितना जाएगा, 21 52 में से 21 गए तो क्या जाएगा, 31 किसका, प्लस का। जब हमने इसके आपस में परिवर्तन नहीं किया, स्तंभ और पंक्तियों में, जब हमने स्तंभ और पंक्तियों में परिवर्तन नहीं किया, जब इसका आंसर क्या आ रहा था, माइनस 31 आ रहा था, और जब हमने इनके स्तंभ और पंक्ति, देखो स्तंभ स्तंभ में, ठीक है, पंक्ति पंक्ति में, तो मैंने कोई भी दो स्तंभों में क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया, कोई दो में, कोई जरूर नहीं कि इसी में करें, इसमें भी कर सकते हैं आप, कोई भी दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है, जब कोई भी दो स्तंभ या दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाता है, तो संख्यात्मक मान, सारणिक का जो संख्यात्मक मान है, उसके चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। यदि यहाँ पर प्लस 31 आता है सारणिक का मान, तो हम इसका पंक्ति और स्तंभ को बदलने पर, आपस में बदलने पर, इसका आंसर आता माइनस के 31, यदि ये प्लस का होता तो, क्योंकि हमेशा चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसकी शॉर्ट स्किन ले लें, अब देखो इधर मैंने, अब तो आपको कॉलमों में किया है, अब मैं पंक्तियों में करके और बता देता हूं आपको, आंसर इसका आ रहा है माइनस 31 आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको इसमें और इसको इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3 2 1 2 4 1 5 7 6 ये सारणिक हो गई। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, डेल्टा बराबर 3, 3 लेते हैं तो क्या रहेगा, 4 7 1 6 फिर लेते हैं हम माइनस के 2, तो माइनस के 2 लेंगे हम तो कितना जाएगा, 2 5 1 6 2 5 1 6 फिर लेंगे हम प्लस 1 तो कितना जाएगा, 1 2 5 4 7 अब देखते हैं डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 3, 6 का 24 माइनस के 7, 6 का 24 माइनस के 7 माइनस के 2, 6 2 12 माइनस के 5 प्लस 1, 7 2 14 माइनस के 20, 7 2 14 5 का 20 3, इसमें से 24 में से 7 गए तो 17 माइनस 2 कितना बच जाएगा, 7, 12 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा, 7 प्लस 1 कितना बच जाएगा, माइनस के 6, 17 3 51 ठीक है, माइनस के 14 और माइनस के 6 क्या जाएगा, 51 माइनस के 20, 51 में से 20 गए तो 31 किसका, प्लस का, और यहाँ पर क्या आ रहा था आंसर, माइनस का। अब हमने किसको चेंज किया है, पंक्ति को चेंज किया है, चाहे हम पंक्ति चेंज करें चाहे स्तंभ चेंज करें, ठीक है, आपस में हमेशा जो उसका सारणिक का जो संख्यात्मक मान है उसके चिन्हों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। समझ में आ जाओगी सबके,
आपको कितने गुणधर्म बता दिए हैं? तीन गुणधर्म बता दिए हैं। पहला गुणधर्म क्या था? यदि हम किसी भी सारणी का ट्रांसपोज करें तो उसके संख्यात्मक मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यदि किसी के सारणिक के मान में दो स्तंभ या दो पंक्ति समान है तो उसका संख्यात्मक मान हमेशा जीरो आता है। और जो तीसरा नियम है यह है कि यदि कोई भी हमारे पास सारणिक है उसमें कोई भी दो स्तंभ या दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाता है तो उसके संख्यात्मक मान में हमेशा चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। नेक्स्ट नियम मैं आपको कल कराऊंगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं वो लाइक करें प्लीज और शेयर करें, थैंक यू। नेक्स्ट गुणधर्म कल कराऊंगा आपके लिए। जो भी मैं गुणधर्म करा रहा हूँ उन गुणधर्मों से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो बेसिक नॉलेज है यही आपको प्रश्नावली में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू आज के लिए।